रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म पद्मावती की शूटिंग जब से शुरू हुई है तब से ही फिल्म के सेट से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे फिल्म की शूटिंग पर सीधा असर पड़ता है। कभी करणी सेना का फिल्म के सेट हंगामा तो कभी रणवीर से सिर में चोट। हाल ही में शाहिद कपूर के भी चोट लग गई थी। मामला यहीं शांत नहीं हुआ है। अब सेट से और निराश करने वाली खबर आई है। स्पॉट अबॉय की एक खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह के ड्राइवर और बॉडीगार्ड में लड़ाई हो गई है जिसका सीधा असर फिल्म की शूटिंग पर पड़ रहा है। इस लड़ाई के कारण शूटिंग को रोकना पड़ा। दोनों के बीच लड़ाई को बढ़ता देख फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को बीच बिचाव करना पड़ा। आपको बता दें कि ड्राइवर ने रणवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रणवीर ने 2 महीने से उसे सैलरी नहीं दी है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि फिल्म सिटी में लच रही शूटिंग के दौरान अचानक बाहर से रणवीर के बॉडीगार्ड विनायक और ड्राइवर सूरज पाल के आपस में लड़ने की आवाजें आने लगी, जिसके बाद क्रू ने दोनों को झगड़ा बंद करने को कहा लेकिन वो नहीं माने और चिल्लाते रहे। एक शख्स ने बताया कि ड्राइवर सूरज रणवीर के मैनेजर से अपनी 2 महीने की बकाया सैलरी मांग रहा था। उसे 2 महीने का मेहनताना जो कि 85,000 है नहीं मिला था, लेकिन रणवीर की मैनेजर उसकी सुनने के मूड में नहीं थी। मैनेजर ने बॉडीगार्ड से ड्राइवर को बाहर करने को कहा, जिस पर बॉडीगार्ड ने गुस्से में ड्राइवर सूरज को पीटना शुरू कर दिया। मैनेजर ने मामला शांत करने की कोशिश भी की लेकिन लड़ाई बढ़ती गई। मामले को शांत करते हुए संजय लीला भंसाली ने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया और 1 दिन के भीतर पैसे देने का वादा किया।